का जो हमारा टॉपिक है हमारी वीडियो में वो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 से है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके स्टार्ट के दो पार्ट बड़े ही आसान है, थर्ड पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपको बाकी दो पार्ट भी करने हैं तो आप थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसको समझेंगे तो बाकी दो पार्ट भी आपके ईजिली हो जाएंगे। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, x हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 2 एंड हमें फाइंड करना है x प्लस 1 ओवर x, मींस के सिर्फ x हमें गिवन है और हम वो कह रहे हैं कि अगर x इसके इक्वल है तो ये किसके इक्वल होगा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमने किस तरह फाइंड करनी है, देखें आपके पास एक चीज गिवन है x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 2। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो दो नंबर लिखे जाएंगे उस पर आपने ये ख्याल रखना है कि आपके पास जो ग्रेटर नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा, वो पहले होना चाहिए एंड जो छोटा नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, वो आपके बाद में होना चाहिए। मीन्स की यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है अंडर रूट 3 और प्लस 2, तो 2 बड़ा है या अंडर रूट 3 बड़ा है, हमें पता है कि अंडर रूट 3 का जब हम रूट निकालेंगे आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं 1 पॉइंट में आएगा, एंड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2, तो 1 पॉइंट वाले नंबर से 2 वाला नंबर हमेशा बड़ा होता है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको इंटरचेंज करेंगे कि भाई 2 को पहले लिखेंगे एंड अंडर रूट 3 को बाद में लिखेंगे। पहला काम तो आपने ये करना है, अगर इस तरीके से पहले से लिखा हुआ है तो आपने चेंज नहीं करना है इसको, 2 पहले होना चाहिए, अंडर रूट 3 बाद में होना चाहिए, मींस के बड़ा नंबर पहले होना चाहिए, छोटा नंबर बाद में होना चाहिए। इसके बाद क्या लिखा हुआ आपके पास, कि आपके पास x गिवन है, आपने x प्लस 1 ओवर x मालूम करना है, मींस के x एंड 1 ओवर x को प्लस करना है। अब x तो हमें गिवन है लेकिन 1 ओवर x नहीं है हमारे पास, तो 1 ओवर x के लिए हम क्या करेंगे, आपको जैसे कि आपको पता है कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो सबके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो x से 1 अपॉन x बनाना बहुत आसान है कि हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। जब इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि 1 ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 ऊपर चला जाएगा एंड 2 प्लस अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा, ये आपके पास 1 अपॉन x आ गया। लेकिन मसला ये है कि कभी भी हम नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास अंडर रूट नहीं आता, जिस तरह लास्ट क्वेश्चंस में आपने पिछले चैप्टर में पिछली वीडियोस में आपने पढ़ा था, आपने देखा था, सॉल्व किया था कि आयोटा हमारे पास डिनोमिनेटर में नहीं आता है, हम उसको हटाते हैं कोई तरीका अप्लाई करके। यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम अंडर रूट 3 को हटाएंगे कोई तरीका अप्लाई करके। वो तरीका क्या है, जो आपने वहां आयोटा वाले क्वेश्चंस में किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर में किया था, बिल्कुल सेम काम आपने यहाँ पर करना है कि भाई आपने क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई भी करवाना है एंड आपने इसको डिवाइड भी करवाना है। आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करवाना है, आपने इसी नीचे वाले नंबर से करवाना है साइन चेंज करके। 2 प्लस अंडर रूट 3 है, आप 2 माइनस अंडर रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और इसको डिवाइड भी करवाएंगे। किस तरीके से, ये लिखा हुआ है आपके पास 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस अंडर रूट 3, ये पहले से आपके पास लिखा हुआ है। इसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई भी करवाना है एंड डिवाइड भी करवाना है, किससे करवाना है, 2 माइनस अंडर रूट 3, मींस के जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में लिखा होगा उसकी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे। इसका फायदा ये होगा कि इसमें आपके पास नीचे से रूट खत्म हो जाएगा। अब आपके पास क्या होगा, ये लिखा होगा 1 ओवर x इज इक्वल टू 1, जब इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेम नंबर आ जाएंगे एंड नीचे जब 2 प्लस अंडर रूट 3 2 माइनस अंडर रूट 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपको नजर आ रहा है कि एक चीज प्लस में लिखी हुई है एक चीज माइनस में लिखी हुई है, तो यहां पर फार्मूला क्लोज हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मींस के फर्स्ट नंबर का स्क्वायर एंड सेकंड नंबर का स्क्वायर। अब यहां पर हो जाएगा आपके पास 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 4, माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहां पर आपके पास आ जाएगा 3। एंड अगेन क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट स्टेप में आपके पास, ये लिखा हुआ है 1 ओवर x इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 क्या होते हैं आपके पास 1, एंड नेक्स्ट स्टेप में आप डिनोमिनेटर में 1 को क्या कर देंगे, हटा देंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर में हम 1 शो नहीं करते हैं। ये आपने 1 ओवर x निकाल दिया, तो लास्ट के जो दो पार्ट है उसमें सिर्फ 1 ओवर x निकालना है, तो आप इस तरीके से 1 ओवर x उसमें निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, x और 1 ओवर x को प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे, x को एंड 1 ओवर x को हमने क्या करना है यहाँ पर प्लस करना है,
तो पहले x लिखा हुआ है देन 1 ओवर x लिखा हुआ है, तो हम पहले x का ब्रैकेट लिखेंगे जो हम क्वेश्चन में गिवन है 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड देन उसके बाद प्लस लगाएंगे देन 1 ओवर x का नंबर लिखेंगे जो आपने फाइंड किया है 2 अंडर रूट माइनस 3। इसके बाद x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 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 2 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3। हर क्वेश्चन में यहाँ पर आपके पास दो नंबर कैंसिल आउट होते हैं, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। आपके पास जो यहाँ पर बचेगा वो आपके पास क्या बच जाएगा 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो आपके पास x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू आ गई 4। क्वेश्चन में ये चीज गिवन थी कि ये हमने आपको दे दिया एंड इसकी वैल्यू फाइंड करके बताएं, तो हमने क्या किया, हमने x गिवन था, हमने 1 ओवर x फाइंड कर लिया, देन हमने दोनों को ऐड करके x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू निकाल दी जो हमारे पास क्या आ गई 4 आ गई। अस्सलाम वालेकुम, इस बार हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, हमारे पास चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 गिवन है जिसमें हमें x की वैल्यू दी गई है एंड हमसे फाइंड करना है हमने कि x प्लस 1 ओवर x किसके इक्वल है एंड x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर किसके इक्वल है, हमें दो वैल्यूज फाइंड करनी है। इसमें हमें x की वैल्यू गिवन है, हम x की वैल्यू को लेते हुए x प्लस 1 ओवर x पहले फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले x प्लस 1 ओवर x फाइंड करने के लिए हमारे पास x तो गिवन है क्वेश्चन में, 1 ओवर x हमें चाहिए। 1 ओवर x के लिए हम क्या कर देंगे, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में किया था इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब ये है जो नीचे वाली चीज है ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास x लिखा है, इसको हम कर देंगे 1 ओवर x एंड यहाँ पर ये चीज नीचे वाली चीज ऊपर लिख देंगे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, ये आपने ऊपर लिख देना है, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 ये आपने नीचे लिख देना है। अब हमने क्या करना है, नीचे से रूट को इस बार खत्म नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो रूट हम खत्म कर देंगे, यहाँ पर भी मौजूद है, तो या तो हमने दोनों से खत्म करना है या तो हमने रहने देना है। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को रहने देते हैं। अब हमने क्या करना है, x को एंड 1 अपॉन x को प्लस करना है, ऐड करना है। तो हमने क्या करना है, देखें x को एंड 1 ओवर x को हमने ऐड करना है। ऐड किस तरह करेंगे, पहले लिखा हुआ है x, फिर लिखा हुआ है 1 ओवर x एंड पहले लिखेंगे हम x की वैल्यू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 एंड देन हम लिखेंगे 1 ओवर x की वैल्यू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। यहां हमने x की वैल्यू लिख दी पूरी ये वाली देखकर यहां पर, देन उसके बाद प्लस लगाया देन 1 ओवर x की वैल्यू ये है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, बीच में प्लस हो रहा है, इट्स मीन कि यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई वाला एलसीएम होगा। किस तरीके से, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू, ये पूरी चीज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये पूरी चीज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला इस तरह एलसीएम लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखें यहां पर आपके पास लिखा हुआ है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, ये इसके पास आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। इसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस ये पूरी चीज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 जाकर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद नीचे यहां पर आपको नजर आ रहा है कि एक चीज प्लस में एक चीज माइनस में है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले वीडियो की तरह आपने क्या करना है, a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आपने क्या कर दिया इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले में क्लोज कर दिया। इसके बाद आपके पास लिखा हुआ है x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, दो ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई किस तरह कराएंगे, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5, ये आपके पास हो जाएगा अंडर रूट 5 स्क्वायर। इसके बाद क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 को जब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे ये हो जाएगा अंडर रूट 5 एंड अंडर रूट 2। इसके बाद अंडर रूट 2 की बारी है, अंडर रूट 2 को जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे ये हो जाएगा आपके पास माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5। उसके बाद अंडर रूट 2 किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, अंडर रूट 2 से माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर। मींस कि इन दोनों नंबरों को स्टेप बाय स्टेप आपने उन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है, पहले अंडर रूट 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर अंडर रूट 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करा दिया,
इसके बाद ये आ गया आपके पास प्लस, अगेन इसमें भी यही काम करना है, अंडर रूट फाइव को पहले दोनों से मल्टीप्लाई कराना है, अंडर रूट फाइव को जब अंडर रूट फाइव से मल्टीप्लाई कराएंगे अंडर रूट फाइव स्क्वायर आ जाएगा, इसके बाद अंडर रूट फाइव को जब अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट फाइव एंड अंडर रूट टू। इसके बाद आपने क्या करना है, अंडर रूट टू को दोनों से मल्टीप्लाई कराना है, अंडर रूट टू को फाइव से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट टू एंड अंडर रूट फाइव, फिर अंडर रूट टू को अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई कराना है तो ये आपके पास हो जाएगा अंडर रूट टू की पावर टू स्क्वायर हो जाएगा इसका। इसके बाद आपने क्या करना है, सेम काम नीचे जो लिखा हुआ है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, फाइव आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर आपके पास टू आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर से रूट आपके पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा एंड स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है एक्स प्लस, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ बच जाएगा फाइव प्लस अंडर रूट फाइव मल्टीप्लाई अंडर रूट फाइव। जब दो रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो दोनों रूट की जगह एक रूट लिखते हैं एंड इसके अंदर जो नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मींस अंडर रूट फाइव मल्टीप्लाई अंडर रूट टू ये हो जाएगा अंडर रूट टेन। एंड साइन कौन सी लगाएंगे हम यहाँ पर, जो साइन यहाँ पर दी हुई है माइनस की, इसके बाद यहाँ पर भी सेम होगा, माइनस अंडर रूट टेन लिखेंगे एंड यहाँ पर भी आपके पास क्या बच जाएगा, टू का स्क्वायर कैंसिल, ये आपके पास टू आ जाएगा, यहाँ पर फाइव का स्क्वायर कैंसिल, आपके पास फाइव आ जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट फाइव अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट टेन, यहाँ पर आपके पास अंडर रूट फाइव अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट टेन एंड यहाँ पर आपके पास आखिरी में क्या बच जाएगा, टू बच जाएगा। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, फाइव माइनस टू क्या बच जाएगा, थ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टेन प्लस अंडर रूट टेन माइनस अंडर रूट टेन माइनस अंडर रूट टेन प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास फाइव प्लस फाइव टेन, टेन प्लस टू ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन बच जाएगा, नीचे आपके पास क्या बच जाएगा, थ्री बच जाएगा, ये आपके पास x प्लस वन ओवर x की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ स्क्वायर लगा देना है, स्क्वायर किस तरह लगाएंगे, यहाँ पर x प्लस वन ओवर x के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पर 14 ओवर 3 के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पर x प्लस वन ओवर x मींस के a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन होगा, फॉर्मूला आपको पता है किसके इक्वल होता है, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला ओपन कर दिया, यहाँ पर 14 का स्क्वायर होता है आपके पास 196 एंड 13 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है आपके पास यहाँ पर 9। इसके बाद आपने क्या करना है, ये x स्क्वायर प्लस एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ पर बच जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाय 9। इसके बाद सेम काम आपने करना है, ये लिखा हुआ है आपके पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, हमें ये टू नहीं चाहिए, टू यहाँ पर प्लस से उस तरफ जाएगा तो ये टू जाकर वहाँ पर 196 ओवर 9 से जाकर माइनस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आपके पास यहाँ पर क्या है, वन है। अब आपने क्या ले लेना है, इसका एलसीएम ले लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196 9 2s are 18 and 9 1s are 9. इसके बाद x square plus 1 over x square is equal to 196 में से आपने 18 को माइनस करना है तो यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर 178 बच जाएगा आपके पास और नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा है। अब आपने इसको चेक करना है कि ये आपके पास 3 के टेबल में 9 के टेबल में कैंसिल आउट हो रहा है, अगर 9 के टेबल में कैंसिल आउट हो रहा है तो आपने इसको कैंसिल आउट कर देना है, अदरवाइज ये आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर का कंप्लीट आंसर है। तो इस तरीके से आप x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब आप इजीली फाइंड कर सकते हैं।